लगा रखा है सुबह सुबह तुमने। कल रात को आप ही ने मुझे बोला था बेटा। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? कब मैंने तुझे अपना बेटा माना? कल रात को बार में। अरे मेरा सर, आप सबके सामने चीख चीख के कह रहे थे He's my son, I'm proud of him. He's a superb boy. एक बात I'm था, very happy. वहाँ आसपास कोई जाना पहचाना आदमी था जिसने ये बात सुनी? यही तो अफसोस की बात है डैड, सब गोरे लोग थे। हाँ हाँ, तो फिर भूल जाओ, रात गई बात गई, भूल जाओ, सामान वामान बांध लो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, समझ लो। यही बात आपने मेरी माँ से भी कही थी ना, रात गई बात गई, सामान बांध लिया, फ्लाइट के लिए निकल गए। I'm proud of you, Dad. तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि मेरे डैडी दुनिया में नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि मैं उन्हें झेल नहीं पाऊंगा। फिर क्यों मिलवाया मुझे उनसे? मालूम था कि ये कैसे इंसान है, फिर क्यों झूठ बोला? क्यों? क्या बकवास कर रहा है? मैं अपनी मां से बात करूं, आपका कोई एतराज है इसमें? रात गई बात गई, शराब के नशे में कल आपने सबके सामने मुझे अपना बेटा कहा, शराब के नशे में आपने मेरी मां से भी शादी की होगी, मैं आपकी निशानी हूं या बकाडिया विस्की की? आपको क्या लगता है कि मैं यहां आपकी दौलत के लिए आया हूं? अरे जब मुझे पता चला कि मेरा बाप जिंदा है, मैं खुशी से पागल हो गया, सोचा जब मैं यहां लंदन आऊंगा तो मेरा बाप मुझे गले लगा लेगा और सबके सामने कहेगा कि यह है मेरी मेघना की निशानी। लेकिन आपको तो ऐसा लगता है कि मैं यहां आपकी दौलत लूटने आया हूं। आपको क्या लगता है कि ये लड़का जो आधी चड्डी फटी हुई जींस के अंदर आपके घर के पूरे कामकाज करते रहता है, भीख मांगते रहता है कि प्लीज आप मुझे बेटा बुला लीजिए, ये कौन है? एक गरीब मेघना सक्सेना का बेटा जो आपकी दौलत ले आया है? आप मुझे एक बात बताइए कि पुरुषोत्तम मित्तल साहब इंडिया में किसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं? किसके साथ? राज इंडस्ट्रीज के साथ? राज कौन है? किसकी इंडस्ट्रीज? जो आपके सामने खड़ा है इसकी है राज इंडस्ट्री, बहुत दौलत है मेरे पास, सिर्फ आपके लिए आया था मैं यहां सब कुछ छोड़ छाड़ के। नहीं चाहिए मुझे आपका नाम, बाप का फर्ज तो आप पूरा नहीं कर सके, लेकिन सुनिए मित्तल साहब, मैं भाई का फर्ज जरूर पूरा करके जाऊंगा।